नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों, चीन के चुरोंग रोवर के जुटाए गए नए आंकड़ों के हिसाब से मंगल ग्रह पर कुल 400 हजार साल पहले भारी मात्रा में तरल पानी मौजूद रहा होगा और यह पानी ग्रह पर रेतीली टीलों में पिघलती हुई बर्फ के रूप में मौजूद रहा होगा। आपको बता दें कि चीन का ये रोवर 2021 की शुरुआत में लाल ग्रह पर उतरा है, तब से कई तरह की जानकारी दे रहा है जिस पर रिसर्चर्स कई तरह के पेपर्स लिख रहे हैं। इस शोध को साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें, चीन के रोवर ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर रिसर्चर्स ने नतीजा निकाला है। तो आइए बताएं कि क्या कहता है नतीजा। जानकारी के हिसाब से जुटाए गए सबूतों के आधार पर यह माना जा रहा है कि नए सबूत से पता चलता है कि लाल ग्रह पर 14 लाख से 4 लाख साल पहले के बीच बर्फ जमा रही होगी। रेत के टीलों पर जमा खनिजों का होना वहां पानी की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है। रिसर्चर्स के हिसाब से तब तापमान फ्रॉस्ट पॉइंट से नीचे चला गया होगा और जलवाष्प टीलों पर बर्फ के रूप में जम गई होगी। इसी वजह से टीलों में दरारें और पपड़ी बनी होंगी। रेत के टीलों पर जमा खनिजों के कणों में सल्फेट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और क्लोराइड जैसे पदार्थ के नाम शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ड्यून या टीलों पर पतले फटे क्रस्ट और कणों के गुच्छे लिपटे होते हैं। ऐसा तभी होता है जब हाल ही में वहां तरल पानी मौजूद रहा। वैसे दशकों से लोगों को यही पता था कि मंगल ग्रह पर प्राचीन नदियां रही हैं और मंगल ग्रह पर मौजूद आखिरी तरल कोई लगभग 300 करोड़ साल पहले ही सूखा होगा, लेकिन इसे गलत माना गया है क्योंकि इस चीनी रोवर ने इसे गलत साबित किया। मिले हुए आंकड़ों के हिसाब से चीनी रोवर का कहना है, जिसे रिसर्चर्स ने समझा है, उस हिसाब से 70 करोड़ साल पहले तक मंगल ग्रह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। आपको बता दें कि कई रिसर्चर्स ने इस टीम के तर्कों को सही भी माना है, तो वहीं ऐसा भी तर्क यह संभावना के साथ जताया जा रहा है कि ये टीले किसी और भूगर्भीय प्रक्रिया से तो नहीं बने। बहरहाल, चीन का यह चुरोंग रोवर मिशन मंगल ग्रह पर मौजूद जीवन की तलाश के लिए आने वाले समय के एक्सप्लोरेशन मिशनों के लिए अहम सुराग देने वाला मिशन बताया जा रहा है। तो चीन पर मंगल पर पानी की कहानी यानि मंगल पर जीवन की तलाश में ये चीनी रोवर चुरोंग रोवर बता रहा है, मंगल ग्रह पर करीब 400 हजार साल पहले भारी मात्रा में तरल पानी मौजूद रहा होगा। आपको बता दें कि ये शोध साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड, हमारे चैनल शोध से। नमस्कार।